दोस्तों आज मैं CSE से जो कृषि ऋण माफी योजना जो होता है उससे हम ऑनलाइन मतलब एक प्रोसेसिंग कर रहे थे। मतलब इतना सारे जो स्टेप होता है जैसे कस्टमर का आधार नंबर डालना, सर्च करना, उसके बाद जो उसका राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, सब कुछ डालने के बाद जो पेमेंट होता है, पेमेंट होने के बाद जो रिसिप्ट निकलता है वो रिसिप्ट जहाँ पे आपको निकलना चाहिए वहाँ पे आके इरर मार देता है। मैं अपने लैपटॉप पे आपको दिखाऊंगा भी कैसे इरर आया है, और अगर आप लोगों के साथ इस तरह होता है तो किन किन चीज़ों को आपको देखना है, ध्यान देना है, इस वीडियो पर पूरी चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का संदेश दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेबसाइट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम जूम भी कर देते हैं आपको। ये झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना का ये वेबसाइट है, और इससे मैं यहाँ पे सब कुछ की यहाँ पे सर्च जिस रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद ये जो हम लोग का जो CSE ID डालने के बाद जो पेमेंट होता है वो भी तक किए, उसके बाद पेमेंट भी हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरा मतलब कि हुआ पैसा कट गया 2-3 बार और रिसिप्ट नहीं निकला। मेन बात ये है कि रिसिप्ट नहीं निकला, काम नहीं हुआ। तो इसके दौरान देखिए आपको क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले जो इसका हिस्ट्री कैच वगैरह है, अगर यहाँ से इस हिस्ट्री जो होता है उसे आप डिलीट करके देख सकते हैं, जूम करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग होता है। अगर इस हिस्ट्री वगैरह सब हो सकता है इसके कारण से भी अगर इस तरह होता है तो आप लोग जो हिस्ट्री है सब डिलीट करके देख लेना, और उसका 2 से 3 बार ज़्यादा ट्राई नहीं कीजिएगा। और आपको इतना बता दें कि जब भी हम लोग कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि हो सकता है कोई दूसरा भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अधिकतर CSE में देखता है रिफंड उतना कम चांस होता है कि मिलने का। अगर आप कुछ भी ऐसा ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाता है, जैसे आपका आयुष्मान भारत मान लीजिए या फिर कुछ और जो भी आपका है उसमें ट्रांजेक्शन अगर कट जा रहा है, मतलब जो भी पहले तो 1-2 रुपया कटता था कार्ड में और अभी देखता है रेट कुछ बढ़ गया है, तो उस समय मान लीजिए 2-3 बार हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम लोग को बचेगा फिर क्या। तो बता दें कि आप 1 से 2 बार ट्राई कीजिएगा, अन्यथा जिस टाइम से आप काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए शाम का टाइम है, 4 बजे का टाइम है, 2-3 जो भी टाइम है, तो आप सुबह का टाइम में काम कीजिए, क्योंकि कभी कभी सर्वर के कारण से भी इस तरह होता है। क्योंकि मैंने सुबह काम किए हैं और सुबह जितना भी कुछ काम किए थे सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ जितना सारा रिसिप्ट निकलता है टोटल निकला वही ब्राउज़र में। ऐसा बात नहीं कि कोई फायरफॉक्स में यूज़ किए हैं या फिर कोई जो अलग कोई ब्राउज़र है, तो ऐसे बात नहीं है। मैंने क्रोम को ही यूज़ किए हैं और अभी भी मैंने क्रोम को ही यूज़ किया, लेकिन 2-3 बार मेरा पेमेंट जो है कट गया और रिसिप्ट नहीं आया। तो दोस्तों अगर आप लोग के साथ इस तरह होता है तो सतर्क रहिएगा, 2-3 बार आप हाथ से करके देख लीजिए पेमेंट, अगर रिसिप्ट निकल जाता है जैसे मैंने बताया जो हिस्ट्री वगैरह जो होता है उसे आप डिलीट करके देख लें, और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो दिमाग लगाना छोड़ दें, क्योंकि इससे इतना फिक्स है, ऊपर से दिक्कत होता है, हम लोग का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फिक्स है। दोस्तों मेरा चैनल सिर्फ टेक्निकल वीडियो डालते हैं, कंप्यूटर मोबाइल वगैरह सब कुछ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का संदेश दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।